लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि हम ये चाहते हैं हमारे देश में पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा नमूना हमेशा से हर व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में प्रस्तुत किया है, और अगर सच के आप साथ हैं तो पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाते हैं? करा लीजिए जेपीसी। देखिए एक बात यह है कि ये जो डील थी ये फ्रांस और इंडिया के बीच में हुई थी, एक कंट्री ने पहले इस पे कुछ नहीं मान के निरस्त कर दी थी पेटिशन, अब उन्होंने प्राथमिक तौर से भ्रष्टाचार माना है, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, तमाम ऐसे आरोपों की, मनी लॉन्ड्रिंग, फेवरेटिज्म की वहां पर जांच हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है पारदर्शिता ये डिमांड करती है कि भारत सरकार को भी जांच करनी चाहिए। आज 72 घंटे बाद मैं आपका साधुवाद करती हूँ कि आप इस पर शो कर रही हैं, अधिकांश मीडिया इस पर क्वाइट है, अभी चुप है, लेकिन आज 72 घंटे बाद सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया। पार्टी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि हमारी क्योंकि परंपरा रही है पारदर्शिता की, और पारदर्शिता में की जरूरत है इसमें, तो यहां पर जांच जेपीसी की जरूरी है। भाई रफाल 126 से 36 क्यों खरीद लिए गए, 570 प्रति रफाल करोड़ पर 1670 पर क्यों खरीद लिया गया, प्रधानमंत्री के जाने के पहले तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी जो अब फॉरेन मिनिस्टर है वो कहते थे रफाल की कोई बात नहीं होनी, रफाल की बात हो गई, साइन हो गई डील 36 की, HAL को हटा दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को, और एक ऐसी कंपनी को लाया गया जिनका हवाई जहाज तो खिलौने में भी नहीं बनाते थे। तो ये सारी बातें मुझे लगता है इसमें जानने की, पारदर्शिता की, देश को जानने की।